मिलत टाइम्स में खुशामदीद। आसाम और आसाम के मुख्यमंत्री पिछले 15 दिनों से सुर्खियों में बने हैं। आज की फुटेज जो कि बरपेटा ऑफिस के सामने की है, जिसमें लोगों को बस में डालकर डिटेंशन कैंप ले जाया जा रहा है और लोग अपनों को जाता देखकर बिलख बिलख कर रो रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री अपने तेवर पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि असम को मियांलैंड नहीं बनने दूंगा। इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि इसमें 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला गया है, जिसमें 9 महिला हैं तो 19 पुरुष हैं। असम में धर्म के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। असम के बरपेटा से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 28 मुसलमानों को वहां डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि इन लोगों के पास भारतीय कागजात नहीं थे। इसके बाद से राज्य का सियासी पारा बहुत हाई हो गया है। इस मामले पर मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ असम ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ असम के अध्यक्ष आशिक रब्बानी ने इसे सरासर गलत करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस कदम के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे। दूसरी तरफ गुवाहाटी हाई कोर्ट की सीनियर वकील रिजावल करीम ने असम की पार्टी संगठन से इन 28 लोगों को हर संभव मदद देने की अपील की है। बारपेटा के स्थानीय कार्यकर्ता फारूक खान ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 28 परिवारों में से प्रत्येक को पुलिस स्टेशनों में बुलाया गया था, जिसके बाद उन्हें एसपी कार्यालय में बुलाया गया और जबरन बस में बिठाया गया। खान ने कहा कि असम पुलिस की सीमा शाखा द्वारा उन्हें विदेशी नोटिस दिए गए और उनके मामले विदेशी न्यायाधिकरणों को भेज दिए गए, जहां बहुत सुनवाई के बाद उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया। अवैध प्रवासन के मामलों से निपटने के लिए विदेशी अधिनियम 1946 के तहत स्थापित विदेशी न्यायाधिकरण अर्थ न्यायिक निकाय है। संदिग्ध मतदाताओं और विदेशियों के मामलों से निपटने के लिए पूरे असम में लगभग 100 ऐसे न्यायाधिकरण हैं। पड़ोसी बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेशन का पता लगाने के लिए स्वदेशी असमियों द्वारा लंबे आंदोलन के बाद असम में ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित किए गए थे। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों ने असमिया लोगों की पहचान और संस्कृति के लिए खतरा पैदा कर दिया है। राइजर दल के नेता मनिरुज्जमान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। भारतवर्ष नागरिक विभिन्न अभाव अभिजोग विभिन्न জ্বর চাপরি মানুষে বিভিন্ন ঠাইত স্থানান্তর হওয়ার ফলত বিভিন্ন কেরুন লাগে এলোকর নামত দি বা কোনোবার বিদেশী নোটিশ জারি করার পিছত অশিক্ষিত মানুষ কোনোবাই নোটিশ পোৱা নাই, কোনোবাই নোটিশ পাইছে, কোনোবাই কেস চলাইছে, কোনোবাই কেস চলাব পৰা নাই, বিভিন্ন ধরনের খেলিমেলি এটা সময়ত এক্সপার্টি জাজমেন্ট ওলায় আর হাইকোর্টের কারণে বিভিন্ন উকিল নিয়োগ করে। এনেকুৱা দরিদ্র শ্রেণী সহজ সরল গয়া রাইজ এনেকুৱা উকিলে উকিলো আমি লগ পাইছো বা তেওঁলোকৰ বিৱৰণী আমি শুনিছো যে টকা পইচা দি তেওঁলোকক আপিল কৰাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ টকা পইচা তেওঁলোকে উকিলক দিয়ে, কিন্তু উকিলে দুবছৰলৈকে সেই কেছটো কোনো ধৰণৰ আপিল কৰা নকৰাৰ ফলত আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। গতিকে এই যে নাগৰিকত্বৰ গইনা লৈ সময়ে সময়ে অসমৰ নাগরিকসকলক ভারতের নাগরিকসকলক যে অত্যাচার চলাই হয়েছে, এ অসমৰ প্রত্যেকজন নাগরিকে আমি আজির দিনত এটাই দাবি উত্থাপন করি যে নাগরিকত্বর সমস্যাটো এই বিদেশী ইস্যুটো প্রত্যেকটো দল সংগঠনে বিচাৰিছে যে অসমৰ বুকৰ পৰা এই বিদেশীর ইস্যুটো নোহোৱা হৈ যাওক। আজি এনআরসির আপডেটের কথা কোৱা হৈছে বা এনআরসির যে আপডেটের কাম আরম্ভ হৈছিল বিজেপি সরকার সেটা বানচাল করলে, আজি সম্পূর্ণ এনআরসিখন হৈ গলে কোন বিদেশী কোন স্বদেশী কোন ভারতীয় কোন বাংলাদেশী সকল ওলাই পড়লেহেন। সরকার এখন থাকার পিছত সরকারে সকল কাম করে আছে, কিন্তু একমাত্র বিদেশী ইস্যুটো জিয়াই রাখি আসলে ভারতীয় নাগরিক সকলক বা সংখ্যালঘু নাগরিক সকলক হারাশাস্তি করে আছে। বর্ডার কেউ সিল করা নাই আজিলৈকে, আসলে সরকারে এই ইস্যুটো জিয়াই রাখিছে। গতিকে অসমৰ রাইজে যেহেতু বিচাৰিছে, প্রতিটো দল সংগঠনে যেহেতু বিচাৰিছে, 71 চনৰ আগৰ অহা মানুহখিনি ভারতীয় সেয়া সকলে মানি লৈছে। গতিকে সরকারও এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে মাঝে সময়ে যাতে এই ডিটেনশন ক্যাম্প বিদেশী ইস্যু ডি ভোটার এইবর ইস্যু যাতে আমার মাজের পর নোহা হয়, আমি যাতে সুস্থির পাও, আমি যাতে উন্নয়নশীল বা ভারতবর্ষ পাও তার কামনা করছো আর সরকারক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে দাবি উঠাব। আজি কিমানটা পরিয়াল কিমান মানুষ লই গেছে? আজি কোনোবাই কয়ে আছে 41, কোনোবাই কয়ে আছে 28। এতিয়ালৈকে সম্পূর্ণ তথ্য রাজহুয়া ভাবে আরক্ষী বিষয়ায় বা বর্ডার ব্রাঞ্চে ঘোষণা করা নাই, সময় সেইখিনি স্পষ্ট হয়ে পড়বে।
तो आपने देखी एक छोटी सी वीडियो थी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से मुसलमानों को देश में प्रताड़ित किया जा रहा है, अब एक नया मसला आया जहां से असम के मुख्यमंत्री माजी में बहुत सारे बयान ऐसे दे चुके हैं जिसको लेकर वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, वो कहाँ पीछे रहने वाले हैं, लेकिन असम में इन 28 मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में जो है वो जबरदस्ती बस में बिठाकर डाल दिया गया है। हालांकि उनकी देखरेख के लिए भी जो एक वकील है उन्होंने आवाज़ उठाई है और वहां पर इसके लिए एहतजाज की भी बात हो रही है। तो इस तरह के मामला जो है वो लगातार हमारे सामने आते हैं, हम देखते हैं। तो यहां 28 मुसलमानों को जबरदस्ती डिटेंशन कैंप पहुंचा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो पे अपना कमेंट्स करके राय जरूर पेश करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।